Hello everyone. So I'm Vipassa Bose, a second professional MBBS student from Bankura Shambhilani Medical College and Hospital. So today at Analytical Mind, we are going to have a detailed discussion about my life at my UG college, that is Bankura Shambhilani Medical College and Hospital. So there is a lot to share, so let's start the video at once. Series of questions say, and I will be answering them one by one. So the first question is, how was the first day at your college? So like every other medical college, the first day was surprising. It was awesome. First day, I still remember the date. It was 15th of March 2022. So मैं अपने पापा के साथ गई थी सेंट्रल लेक्चर थिएटर में, एंड वहाँ पे सारे बच्चे आए थे, उनके गार्जियंस भी आए थे, उनके माता पिता जो भी है आए थे, एंड वहाँ पे वी मेट अ लॉट ऑफ प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली प्रोफेसर डॉक्टर इंद्रनील विश्वास सर, जो कि हमारे देन प्रिंसिपल थे, एंड डीन सर से भी हम मिले थे, MSVP सर से भी मिले थे, सारे HODs से मिले थे. तो इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. और क्योंकि सेंट्रल लेक्चर थिएटर बहुत ही सुंदर है, वो नया बना है, तो द फर्स्ट डे स्टार्टेड क्वाइट ब्यूटीफुल. और मुझे अभी भी याद है प्रिंसिपल सर वाला लेक्चर, ही स्टार्टेड लाइक दिस, अ वेरी हॉटी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. तो उसे सुनकर ही हम लोग बहुत ज़्यादा एनर्जाइज हो गए थे. उनकी पॉजिटिविटी, उनकी ओरा हम लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर दिया था. ऐसे ही रहा हमारा फर्स्ट डे. इट वॉज ब्यूटिफुल नॉट ओनली बिकॉज कि हमने नीट क्रैक कर लिया है, इट वॉज ऑल्सो ब्यूटिफुल बिकॉज क्योंकि हमने वो खुशी, वो प्राउड फीलिंग अपने पेरेंट्स के आंखों में देखा उस दिन. उनको लगा कि हाँ, हमने सच में कुछ अच्छा अचीव किया है. एंड इसी के साथ साथ सारे टीचर्स ने हमें कॉन्ग्रेचुलेट किया, एंड एट द सेम टाइम उन्होंने हमें ये भी समझाया कि दिस इज जस्ट द बिगनिंग एंड देयर इज अ लॉट टू डू एंड देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो. सो इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज माई कॉलेज डिफरेंट फ्रॉम द अदर कॉलेजेस इन दिस स्टेट? तो बांकुरा शम्भिलानी मेडिकल कॉलेज इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल. तो वेस्ट बंगाल के सारे मेडिकल कॉलेजेस लगभग सेम ही है अकेडमिकली अगर बात किया जाए तो. अगर लोकेशन वाइज मैं देखूँ तो बांकुरा इज लोकेटेड इन द आउटस्कर्ट्स. तो यहाँ पे उतना फैसिलिटीज शायद आपको ना मिले जो कि एक सिटी लाइक कोलकाता या फिर सिलीगुड़ी जैसे शहरों में मिलता हो. बट यहाँ पे सबसे खास बात तो ये है कि यहाँ का पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा. एंड चूँकि यहाँ पे अगल बगल में ऐसा कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, तो यहाँ पे जो पेशेंट लोड होता है वहाँ पे यू नो बहुत सारा बिग बिग केसेस भी डिस्कस किए जाते हैं. एंड अभी तो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक भी आ चुका है बांकुरा में, तो अभी प्लास्टिक सर्जरी वगैरह एंड रेडिएशन, केमोथेरेपी वगैरह सब कुछ अभी इंस्टॉल हो रहा है. तो इट इज़ डिफरेंट, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है. हमने ये भी सुना है यहाँ के जो इंटर्न होते हैं वो इतने क्वालिफाइड होते हैं, क्योंकि इधर पे बहुत ज़्यादा पेशेंट लोड है, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराया जाता है इस चीज़ का. वो स्ट्रेस में रहते रहते ये चीज़ सीख ही लेते हैं कि यू नो बाहर के PGTs आते हैं और इंटर्न PGTs को सिखा रहे होते हैं, इस लेवल का यहाँ पे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा. तो इट इज़ अ वंडरफुल थिंग यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे खुद ऑब्जर्व किया है कुछ दिनों में. एंड सबसे पहले तो मुझे लगा था कि इट इज़ लाइक इन बैकवर्ड एरियाज, तो मुझे लगा था कि शायद यहाँ पे कुछ कमी हो पढ़ाई लिखाई में, या फिर जो हमें फैसिलिटीज मिलनी चाहिए एज अ मेडिकल स्टूडेंट उस चीज़ का कोई कमी हो, मुझे ऐसा लगा था. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है. प्रैक्टिकल्स में सारा तुम्हें सब कुछ का सप्लाई मिल जाता है. एज सच मुझे एकेडमिकली कोई भी आज तक ऐसा कुछ कमी महसूस नहीं हुआ. उल्टा आई फील कि यहाँ पे और एनी भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई में तो बहुत ज़्यादा फोर्स किया ही जाता है. What is different is इधर का पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है, एंड सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक भी आ चुका है, प्लास्टिक सर्जरी एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ भी इधर को शुरू हो रहा है, एंड यहाँ का प्रैक्टिस बहुत अच्छा है. इट इज़ द बेस्ट थिंग ओवर हियर. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज द टीचिंग फैकल्टी हियर? तो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि टीचिंग फैकल्टी इन एनी अदर मेडिकल कॉलेज इन वेस्ट बंगाल सब सेम है. तो यहाँ पे मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, जो वो लोग शेड्यूल देते हैं, लाइक फर्स्ट ईयर में मैंने ये देखा था कि फर्स्ट ईयर में उन्होंने बताया था कि ये सारा सिलेबस इतने दिनों में कंप्लीट कराया जाएगा, एक शेड्यूल आता है, तो उतने दिनों में ही कंप्लीट कराया गया था. मैंने ये स्कूल में महसूस किया था कि कहीं ना कहीं कोई छूट मिल जाती है स्कूल में, बट मेडिकल कॉलेज में मेरे को एक भी दिन का छुट्टी नहीं मिला था. मैं तो थक जाती थी कि कब शेड्यूल थोड़ा सा हल्का हो, बट ऐसा कभी नहीं हुआ. शेड्यूल वॉज वेरी वेरी टाइट. एंड यहाँ पे प्रोफेसर्स तो आपको हर तरह के मिलेंगे, लाइक
इन स्कूल ऑल्सो यू हैव सीन कि कोई कोई टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कोई कोई उतना अच्छा नहीं पढ़ाते हैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो लोग ट्राई करते हैं कि तुमको वो अपना बेस्ट दे पाए एंड जितना भी आपको चाहिए होता है वो आपको हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं. और इनफैक्ट आपको ऐसे भी टीचर मिल जाएंगे जो कि आपकी लाइफ को बहुत ही ब्यूटीफुली शेप कर दे. और यहाँ पे दो तीन टीचर ऐसे हैं जो कि हमारे रोल मॉडल्स जैसा बन चुके हैं. तुम्हारी पढ़ाई अच्छे से होगी कि नहीं होगी इस चीज की चिंता तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एकेडमिकली इट इज़ अ वेरी गुड कॉलेज. टेस्ट भी सारे अच्छे से कंडक्ट करवाए जाते हैं एंड कुछ कुछ डिपार्टमेंट तो बहुत स्ट्रिक्ट होता है, तो उसी स्ट्रिक्टनेस के अंदर में रह के तुम्हारा बहुत अच्छा सा प्रिपरेशन भी हो जाएगा. तो डोंट वरी अबाउट डैट. मुझे जहाँ तक पता है, मैंने जो खुद एक्सपीरियंस किया है, मैं बोलूँगी कि टीचिंग फैकल्टी इज बेस्ट हियर. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट द कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर क्लासरूम. तो सबसे पहले कैंपस देखो, यहाँ पे कैंपस ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक ही साथ तुम्हें मिल जाएगा. यहाँ पे सारा चीज़ अलग अलग स्प्रेड हुआ है. तो पहले एक कैंपस है जिसको लोकपुर कैंपस कहते हैं, वो फर्स्ट ईयर वालों के लिए है सेपरेट. और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स हमारा एक कैंपस है गोविंदनगर कैंपस, जिसको नौतन भवन भी बोलते हैं. तो ये दोनों हो गया एकेडमिक ब्लॉक, अलग अलग जगह पे है. और जो है हॉस्पिटल, वो थोड़ा सा दोनों कैंपस से अलग है और हॉस्टल्स दोनों कैंपस से अलग है. बट ऐसा नहीं है कि आपको बहुत दूर जाना होगा, एक ही एरिया पे है. बट आपको एक ऐसा मिलेगा कि बीच में से आपको सड़कें भी मिल जाएंगे, आपको लोकल लोग भी आते जाते हुए दिख जाएंगे, दुकानें भी मिल जाएंगी आपको. तो सब कुछ एक साथ है यहाँ. और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो एस बिकॉज ये कॉलेज बहुत ज़्यादा पुराना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको उतना भी अप टू द मार्क नहीं मिलेगा, बट उतना ख़राब भी नहीं मिलेगा कि आप देखो कि टूटा फूटा हुआ है, ऐसा भी नहीं है. आपको जितना ज़रूरत होता है लाइक बैठने वेठने का, आपको स्मार्ट बोर्ड एंड ब्लैक बोर्ड वगैरह, आपको उस चीज़ में बिल्कुल भी कमी नहीं मिलेगी. और ऐसी क्लासरूम में आपको ऐसी मिल जाएगा. और हमारे लोकपुर कैंपस में फर्स्ट ईयर में हमें दो LT में पढ़ाया जाता था. टू सम अप, आपको जितना ज़रूरत है उतना आपको दिया ही जाएगा. उससे ज़्यादा अगर आप एक्सपेक्ट करने लग जाओ एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, और वो भी इतना पुराना, तो देट इज़ नॉट राइट फॉर यू. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ द पेशेंट लॉड. तो एज आई हैव ऑलरेडी मैंशनड, पेशेंट लॉड इतना ज़्यादा है, जब तुम पहली बार हॉस्पिटल में एंट्री करोगे तभी तुम्हें दिख जाएगा कितना ज़्यादा पेशेंट लोड यहाँ का है. कुछ और दिखे ना दिखे, तुम्हें पेशेंट ही पेशेंट हर जगह दिखाई मिलेंगे. तो पेशेंट लोड इतना ज़्यादा होने के बाद क्या फ़ायदा होता है, जब तुम फाइनल ईयर के बाद इंटर्नशिप करोगे, तुम इतने एक्सपर्ट बन जाओगे प्रैक्टिस में कि तुमसे उल्टा PGTs आएंगे सीखने के लिए. देयर इज़ द बेस्ट थिंग आई वुड से इस कॉलेज में मुझे मिला. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ द सीनियर जूनियर रिलेशनशिप. Any dress code to be followed? Yeah, there are rules, there are dress codes to be followed. Not just in first year, maybe from second year onwards also. There are a few rules which needs to be followed by every medical student. Or एक junior, senior में जो हमेशा एक रह जाता है, एक barrier type का है, वो हमेशा रह ही जाता है. तो आपको हर type के senior मिल जाएंगे. Like कुछ कुछ बहुत अच्छे मिल जाएंगे एंड कुछ कुछ उतने अच्छे नहीं मिलेंगे आपको. तो मैंने अभी तक ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि अगर आपको कोई दिख रहा है जो आपको ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हो, तो उनसे दूर रहो. आई वुड से एज अ मेडिकल स्टूडेंट आई हैव एक्सपीरियंस कि तुम पहले दौर के किसी के पास मत चले जाओ बिना जाने समझे कि वो क्या चाहता है आपसे. हो सकता है कि आपसे उसको कुछ और ही चाहिए हो एंड उसके बदले ही आपको वो हेल्प कर रहा हो. तो बी वेरी केयरफुल इन चूजिंग एनी काइंड ऑफ सीनियर और एनी काइंड ऑफ फ्रेंडशिप ऑल्सो. एंड ये रिस्पेक्ट सिर्फ सीनियर जूनियर के ही बीच में नहीं रहती है, ये तुम्हारे बैचमेट्स, एनी फ्रेंडशिप यू डू, तो उसमें भी ये रिस्पेक्ट वाला जो फैक्टर है आ ही जाता है. एंड हाँ, ड्रेस कोड तुम्हें फॉलो करना होगा फर्स्ट ईयर में. ऐसा एक सेट ऑफ रूल्स भी आता है जो तुम्हें फर्स्ट ईयर में जब तुम एंट्री करोगे जितना भी तुम्हें बताया जाएगा. एंड जो सीनियर जूनियर रिलेशनशिप वाला जो चीज़ है उसमें अगर मैं बात करूँ तो मैं ऐसे भी सीनियर मिलेंगे जो कि बहुत ही हेल्पफुल नेचर वाले होंगे, और कुछ कुछ सीनियर ऐसे भी मिलेंगे जो उतना नहीं निकलते हो. इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग बुरे हैं. सीनियर जूनियर रिलेशनशिप ना, आई गेस तुम पूरे MBBS भी कर लोगे तो तुम्हें पूरा एक्सप्लोर करने को नहीं मिलेगा. लाइक हमने पहली बार सीनियर से अच्छे से इंटरेक्शन तो फर्स्ट में ही किया था, उसके बाद भी छोटे मोटे ऐसे इंटरेक्शन होते हैं, बट उसमें भी उनका फुल नेचर हम लोगों ने कभी भी डिस्कवर नहीं किया था. तो थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द MBBS जर्नी तुम्हें अच्छे अच्छे सीनियर भी मिलेंगे और बुरे बुरे सीनियर्स भी मिलेंगे. तो किसी एक टाइप के सीनियर को देख के कभी ऐसा जज मत कर लेना कि हाँ, सीनियर जूनियर रिलेशनशिप इज ओनली अबाउट दिस और दैट. तो बहुत टाइप के सीनियर मिलेंगे ऑल थ्रू आउट योर MBBS जर्नी.
तो तुम्हें बहुत कुछ डिस्कवर करना बाकी है, हमने भी अभी तक पूरा डिस्कवर किया ही नहीं है. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज द हॉस्टल देयर, व्हाट डू द स्टूडेंट्स गेट देयर, एंड मेस फूड कैसा है. तो सबसे पहले हॉस्टल कैसा है, तो हॉस्टल लेडीज हॉस्टल है एंड बॉयज हॉस्टल है. लेडीज हॉस्टल 2 है एंड बॉयज हॉस्टल 3 है. तो एक न्यू लेडीज हॉस्टल, एक ओल्ड लेडीज हॉस्टल है. और यहाँ पे 3 लड़कियाँ एक रूम पे रहती है. और ये हो सकता है कि आपको सीनियर के साथ रहना पड़े या फिर जूनियर के भी साथ रहना पड़े, तो ऐसा कोई फिक्स रूल भी नहीं है. एंड यहाँ पे आपको बेड मिलता है, टेबल चेयर मिल जाएगा, और बहुत लकी होगा जिसको यहाँ पे अलमीरा मिलेगा और बुक शेल्फ मिलेगा. तो मे बी आप जब आओ तो आपको और सप्लाई होने के बाद आपको वो सब भी मिलना शुरू हो जाएंगे. तो मेस फूड इज नॉट डेट बैड, आई वॉन्ट बी लाइंग हियर. मेस फूड मुझे उतना गंदा नहीं लगा, जैसे कि लोग बोलते हैं मेस का खाना बहुत गंदा होता है, हॉस्टल का खाना बहुत गंदा होता है. टू बी ऑनेस्ट, हॉस्टल का खाना बाहर के खाने के कंपैरिजन में थोड़ा सा लो तो है, बट इतना बुरा भी नहीं है कि आप सर्वाइव ना कर पाओ. इनफैक्ट मैंने कभी कभी बाहर पे भी खाना खाया था, तो मुझे हॉस्टल का खाना उनसे कहीं गुना ज़्यादा बेटर लगा था, मैं सच बोल रही हूँ. मेन्यू में रोज़ रोज़ आपको अलग अलग आइटम्स मिलेंगे, आप चाहो तो मेस का खाना आप बदला के आप कुछ और भी खा सकते हो. ऐसा नहीं है कि ये मेरा कॉलेज है इसलिए मैं इसकी बढ़ाई चढ़ाई करके बोल रही हूँ. आई एम टेलिंग एवरीथिंग जो कि सच है यहाँ पे. दैट इज ऑल आई एम टेलिंग यू ऑलवेज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फी स्ट्रक्चर. तो फी स्ट्रक्चर तो उसमें बहुत डिटेली कुछ होगा जो कि अभी मुझे याद नहीं है. मुझे बस इतना याद है कि ईयरली अराउंड 10K लगता है एकेडमिक फीस. और उसके अलावा एडमिशन करते वक्त हमें लगा था 6,583 समथिंग हमें लगा था. और उसके अलावा एडमिशन करते वक्त 1,000-2,000 एक्स्ट्रा लग गया था. और हॉस्टल फी तो 12 रुपीज़ पर मंथ है, दैट इज क्वाइट अफोर्डेबल, रियली रियली अफोर्डेबल. और इसके अलावा हॉस्टल में अलग से आपको हॉस्टल मेंटेनेंस फी भी देनी पड़ सकती है, लाइक 50 रुपीज़ पर मंथ, तो दैट इज ऑल्सो क्वाइट लो. तो कुल मिला के अगर आपका रहना धोना और आपके पर्सनल फाइनेंस को अलग कर दे तो आपका कुल मिला के एक साल में एकेडमिकली 50,000 जैसा आपको खर्च करना होगा, उससे भी कम में आपका हो जाएगा. और अगर आप अपना खुद का खर्चा लो, रहने वहने का, हॉस्टल के अलावा आपको खर्चा करना पड़ता है, तो उससे ज़्यादा हो जाएगा. तो दैट इज मोटा मोटी जो कि मैंने समझा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बॉन्ड डिटेल. तो बॉन्ड एक होता है हमारे यूजी में, वो होता है डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड. तो हमें ये बताया गया है कि इफ़ यू डिसकंटिन्यू इन बिटवीन योर MBBS कोर्स, अगर मेरे को MBBS के बीच में कहीं छोड़ना पड़ जाता है ये कोर्स, तो मुझे 1,00,000 रुपए का फीस फाइन के तौर पे देना होगा. एंड वो इसीलिए है क्योंकि हमें जो अपना सर्टिफिकेट वगैरह हमने दे रखा है ऑलरेडी, वो लोग अपने पास रख लेंगे और वो हमें वापस नहीं करेंगे. एंड अगर वो चीज़ें हमें इन फ्यूचर कभी ज़रूरत पड़े तो फिर हमें वो लोग नहीं वापस करने वाले हैं. तो उसके बदले में हमें 1,00,000 रुपए देना होगा ताकि हम अपना वो काम कर सकें. तो ये इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट ने इतना सारा पैसा हमारे पे इन्वेस्ट किया है, और एक सीट के लिए जो कि हमने इतने मेहनत से कमाया था, वो सीट किसी और को मिल जाता अगर हमने ये लापरवाही नहीं करी होगी. तो हमारे बदले में किसी और को तो नहीं दे सकते वो सीट, इसीलिए 1,00,000 रुपए का वो लोग जुर्माना ले लेते. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मच रिसर्च अपॉर्चुनिटीज आर प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट. तो आई डोंट थिंक कि मुझे इस चीज़ का उतना नॉलेज है, एज बिकॉज आई एम अ सेकंड ऑफ मेडिकल स्टूडेंट राइट नाउ. स्किप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ रीचेबल इज माई कॉलेज बाई एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. तो मैं थी नॉर्थ बंगाल से, तो मुझे पहले तो आना पड़ा था बर्दवान, और फिर बर्दवान से मेरे को जाना पड़ा था दुर्गापुर, फिर दुर्गापुर से मेरे को बांकुड़ा के लिए बस मिल जाता था. तो हाँ, ऐसा डायरेक्ट कोई रूट तो नहीं है जो डायरेक्ट आपको अपने जगह से बांकुड़ा पहुँचा दे, बट स्टिल अगर आप दुर्गापुर आ जाओगे तो वहाँ से आपको लोकल बस हमेशा हमेशा मिल जाएंगी. तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको कभी भी बस के लिए वेट करना ही नहीं पड़ेगा. आप बांकुड़ा से भी कहीं जाना चाहोगे तो आपको दुर्गापुर डायरेक्टली आपको बस से वो आपको पहुँचा देगा. उसके बाद दुर्गापुर से आप कहीं पर भी जाना चाहो आप जा सकते हो. कोलकाता से अगर आप आना चाहो तो कोलकाता से बांकुड़ा को आपको डायरेक्ट ट्रेन्स भी मिल जाएंगी, बस भी मिल जाएंगी आपको, और बांकुड़ा से भी कोलकाता के लिए आपको बस एंड ट्रेन दोनों ही मिल जाएंगी. एंड बाकी झारखंड बिहार वालों के लिए ट्रेन्स भी है, दुर्गापुर तक भी है, कोई कोई बांकुड़ा तक भी है.
तो बांकुरा तक डायरेक्टली अगर ना भी मिले ना आपको, तो दुर्गापुर आ जाना, उसके बाद दुर्गापुर से बांकुरा आना इज वेरी वेरी इजी, जस्ट 1.5 आवर्स का ही रास्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल अस अबाउट द फेस्ट एट योर कॉलेज। तो हमारा पहला फेस्ट साइनएप्स 2022 हुआ था, दैट इज द एनुअल कल्चरल फेस्ट ऑफ आवर कॉलेज। तो वहाँ पे वी एक्सप्लोर्ड अ लॉट, लाइक 14 डेज का इवेंट होता है, तो पहले 10 दिनों तक तो प्री साइनेप्टिक इवेंट्स हुए थे, फिर अगला जो 4 दिन है वो एक्चुअल साइनएप्स हुआ था उसमें। तो बैंड परफॉर्मेंसेस हुए थे, बाहर से आर्टिस्ट आए थे, सिंगर आए थे, परफॉर्मेंसेस हुई थी, बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जो पहले 14 डेज होते हैं उस पर बहुत सारा कल्चरल एक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी, राइटिंग कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन, कुकिंग कंपटीशन, बहुत बहुत सब कुछ होता है। सो इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने को मिला था। एंड सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि सीनियर जूनियर इंटरेक्शन भी बहुत ज़्यादा हुआ था। इनफैक्ट बैच मैच के भी साथ इतना इंटरेक्शन पहले कभी हुआ ही नहीं था। तो साइनएप्स वाज वन ऑफ द रीज़न कि हम लोगों ने इतना इंटरेक्ट किया और नए नए चेहरे से वी गॉट टू मीट, एंड इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस आई वुड से। तो जिस किसी ने भी अभी तक अपना कॉलेज का फेस्ट नहीं देखा होगा ना, तो दैट पर्सन हैज नॉट सीन एनीथिंग गुड इन दैट कॉलेज। सो दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कम फॉर इन ए कॉलेज, एंड स्टिल द बेस्ट इज येट टू कम। पहले तो हम लोगों ने वो एज ए पार्टिसिपेंट, एज एन ऑडियंस वो चीज़ एक्सपीरियंस किया। अभी हम जब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आगे बढ़ेंगे तो फिर हमें वो चीज़ खुद से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज द कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट इन योर कॉलेज? लाइक लिटरली व्हेन आई जस्ट एंटर्ड द कॉलेज, आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, आई एम नथिंग इन फ्रंट ऑफ दिस स्टूडियस चिल्ड्रेन। तो यहाँ पे लोग इतना ज़्यादा यू नो पढ़ाकू होते हैं, वो लोग पहले से ही प्रिपेयर्ड रहते हैं कि आज क्या पढ़ाने वाले हैं, उनका क्वेश्चंस भी उनके दिमाग में पहले से प्री फॉर्म रहता है, वो लोग हमेशा प्रिपेयर्ड रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इससे आप पहले तो डीमोटिवेट हो जाओ, उसके बाद धीरे धीरे आपको रियलाइज़ होएगा कि हाँ सारे लोग कहीं ना कहीं परेशान है, आप बेकार में खामखा अपने आप को परेशान कर रहे हो ये सोच के कि आप उनसे कम हो। Not just in studies but also in other things like drawing, dancing, singing. आपको हर तरफ अच्छे अच्छे आपसे better लोग भी मिल जाएंगे। So I would say take that as a positive thing and grow with them. Go with the flow, not against the flow. जो तुम कर रहे हो उसको करते जाओ, no matter how hard it is, no matter whoever comes in front of you, whoever competes with you. Just go for what your heart says. The next question is, any advice I would like to give to my juniors? So first of all, congratulations, आपको हमारा कॉलेज अलॉट हुआ है, तो you all are welcome to our college. तो सबसे पहला चीज़ तो मैं ये बोलूँगी कि आओ, we will have a very good time together. Please don't judge any senior by the way an other senior treats you. Please, आपको इस चीज़ का भ्रम में तोड़ने मैं तोड़ना चाहती हूँ कि हाँ हर कोई एक जैसा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कोई कोई बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे टू बी बेटर। जस्ट डोंट गो फॉर एनी रॉन्ग कंपनी, लाइक इवन इन फ्रेंडशिप टू। पहले तो आओ, आप एक्सप्लोर करो, जगह को घूमो। प्लीज़ डोंट जज एनी थिंग, लाइक इवन दिस प्लेस टू, ये जगह तो ऐसा ही है, यहाँ पे तो ऐसे ही लोग मिलेंगे, यहाँ पे तो ऐसे ही पढ़ाई होती है। प्लीज़ डोंट जज एनीथिंग, पहले आओ एक्सप्लोर करो। मे देयर आर मैनी गुड थिंग्स टू एक्सप्लोर एंड द बेस्ट इज येट टू कम। आओ, आपको बहुत कुछ एक्सप्लोर कराएंगे हम, एंड वी विल एक्सप्लोर थिंग्स टुगेदर। सो दैट इज ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।